सवाल यह भी है कि ताइवान के पास क्या ताकत है जिसके आधार पर वो चीन को चुनौती दे रहा है। एक बड़ा प्रश्न यह भी है कि क्या ये युद्ध सिर्फ चीन और ताइवान के बीच की झड़प बनकर रह जाएगा या अमेरिका जापान जैसे देश भी ताइवान की स्वतंत्रता के लिए चीन का सामना करेंगे, क्योंकि ताइवान के पास जो हथियारों का बैकअप है उस पर मेड इन अमेरिका लिखा है। पिछले एक हफ्ते से चीन को हर मोर्चे पर ताइवान चुनौती दे रहा है, फिर चाहे वो आसमान में ड्रिल हो या समुन्दर में। ताइवान के लड़ाकू विमान हो, टैंक हो या फिर आर्मी, ताइवान का दम, ताकत, हिम्मत और हौसला देखकर दुनिया भी हैरान है और चीन भी परेशान है। ताइवान ने दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं। ताइवान ने ड्रैगन को संदेश दे दिया कि वो किसी भी कीमत पर झुकेगा नहीं, टूटेगा नहीं, तोड़कर रटेगा। ताइवान ने चीन को आंखें दिखाने के लिए चीन के मिलिट्री ड्रिल का जवाब देने के लिए युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। चीनी विमानों की घुसपैठ की खबर मिलते ही पलक झपकते ही ताइवानी F-16 विमान आसमान में नजर आने लगते हैं और तब तक लैंड नहीं करते जब तक चीनी विमानों को वापस चीन की वायु सीमा में खदेड़ नहीं देते। एक नहीं, ताइवान के कई लड़ाकू विमान दिन रात चीनी घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए उड़ान भर रहे हैं। पहाड़ी की ओट में बना ताइवान का हुआलियन एयरबेस इस वक्त ताइवान के युद्ध अभ्यास का गवाह है। चीन विश्व की महाशक्ति है, इस लिहाज से ताइवान चीन के सामने सैन्य ताकत में ना के बराबर है। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य टुकड़ी मौजूद है, लेकिन ताइवान की तैयारी देखकर दुनिया भी हैरान है और चीन भी हमला करने से पहले हजार बार सोच रहा है। ताइवान ने तो बार बार चीन को कहा है वो किसी भी हालत से चीन के आगे झुकेगा नहीं, चीन से डरेगा नहीं, चीन से घबराएगा नहीं। वो हर प्रकार से तैयार है चीन की हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए। अगर चीन ने युद्ध थोपा तो ताइवान जो है बड़े पैमाने पर उसका हर प्रकार से जवाब देने पे तैयार है और यही चाहिए। ताइवान के युद्ध अभ्यास से क्लियर मैसेज भेजा जा रहा है चीन को। ताइवान के पास F-16 फाइटर जेट्स के अत्याधुनिक वेरिएंट F-16V है, अमेरिका में बने सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक। चीनी विमानों के हमले का जवाब देने के लिए ताइवान के पास एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम GDF-006 है। इसके 35 mm के डबल बैरल हर एक मिनट में 550 गोले दागते हैं। ताइवान के पास खतरनाक जंगी जहाज टुओचियांग कॉर्वेट है जो पलक झपकते ही समुद्र में दुश्मन को तबाह कर देता है। ताइवान के पास शॉर्ट रेंज मिसाइल AIM-9 साइड वाइंडर भी है। हवाई जंग में इसका इस्तेमाल चीन के खिलाफ ताइवान बखूबी कर सकता है। ताइवान के पास शॉर्ट रेंज एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी मिसाइल वेपन सिस्टम के रूप में RIM-7 सी स्पैरो भी है। इसकी मदद से ताइवान चीन के फाइटर एयरक्राफ्ट, मिसाइल और जंगी जहाजों पर हमला बोल सकता है। ताइवान की स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स टीम इस समय एक ड्रिल कर रही है कि सरहदों पर अगर सेना और वायुसेना और नौसेना तैनात है तो आंतरिक रूप से कोई देश को कमजोर करने की साजिश ना करे और उसके लिए ये कमांडो दस्ते तैयार हैं। ये ताइवान के स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स टीम फर्स्ट मेट्रोपॉलिटन पुलिस का हिस्सा है और अगर आप इनको देखें तो ये जो ऑपरेशन जिसको इस समय अंजाम दे रहे हैं वो एक बिल्डिंग ब्रीच ऑपरेशन कहलाता है। ऐसे हथियारों के साथ ही ताइवानी सेना के हौसले बुलंद हैं। वो हर कीमत पर अपने देश की सुरक्षा के लिए तैयार है। यही वजह है कि चीन से तनातनी के बावजूद ताइवानियों की जिंदगी बेखौफ आगे बढ़ रही है। चीन निसंदेह ताइवान से ताकतवर है, लेकिन ताइवान में घुसपैठ करना या कब्जा जमाना चीन के लिए आसान नहीं है।